वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दो इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू और नॉट इक्वल टू काम कैसे करते हैं? इक्वल टू के अंदर दो वेरिएबल होते हैं, एक इनपुट वन एक इनपुट टू। अगर इनपुट वन की वैल्यू इनपुट टू के बराबर हो जाएगी तो ये अपने कंडीशन को पास कर देता है, यानी कि अपनी इनपुट की कंडीशन को ट्रू कर देगा और जो भी आउटपुट में इंस्ट्रक्शन होगा उसको ऑन कर देगा। वहीं नॉट इक्वल टू में क्या होता है, नॉट इक्वल टू में भी दो वेरिएबल होते हैं, आई एन वन और आई एन टू। अगर इनपुट वन की वैल्यू इनपुट टू के बराबर नहीं है तब ये कंडीशन को ट्रू करता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक टाइमर की हेल्प लेंगे। टाइमर हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं, तो हम यहाँ पर एक टाइमर को इस्तेमाल कर लेंगे। तो टाइमर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक टाइमर यहाँ पर बना लेंगे, टी ओ एन आर। मान लीजिए ये टाइमर हमने ले लिया, इसका नाम दे दिया टी ओ एन आर वन नाम दे दिया, ये बन गया। और यहाँ पर एक पी टी अंडरस्कोर वन, ये एक प्रीसेट वैल्यू ले लेंगे। और यहाँ पर एक आर वन नाम का एक टैग बना देंगे और इस आर वन नाम के टैग को हम रिसेट में डाल देंगे, तो ये टाइमर ऑटोमेटिकली चलता रहेगा और जो भी प्रीसेट वैल्यू है उस पर जा कर के ये रिसेट हो जाएगा और दोबारा से चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर हम एक ET1 नाम दे देंगे, तो ये हमारा एक टाइमर बन गया जो कंटिन्यूस चलता रहेगा और रिसेट होता रहेगा। यहाँ पर जो ET की वैल्यू आ रही है ये टाइम के फॉर्मेट में आ रही है, मैं इसको डबल इंटीजर बनाना चाहूंगा। तो डबल इंटीजर बनाने के लिए हम एक यहाँ पर ब्रांच लेंगे और यहाँ पर एक एम्प्टी ब्लॉक लेंगे और डिवाइड का इंस्ट्रक्शन ले लेंगे। डिवाइड का इंस्ट्रक्शन लेने के बाद इसमें इनपुट में हम ET_1 टैग दे देंगे, यहाँ ET_1 आ गया, और इसके अंदर 1000 का डिवीजन कर देंगे। यहाँ पर कोई टैग डाल देंगे, मान लीजिए मैं PV डाल देता हूँ, PV1 हमने यहाँ पर एक कोई टैग बना देते हैं, यहाँ डिफाइन कर देंगे। तो ये PV1 की वैल्यू को अब हम कंपेयर करा लेंगे। तो कंपेयर कराने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ से कंपैरेटर लेंगे और यहाँ इक्वल टू का कंपैरेटर लेंगे और यहाँ पर हम PV डाल देंगे, PV, और यहाँ हम 5 डाल देंगे, यानी कि PV1 की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। तब मान लीजिए मैं Y1 लगा देता हूँ तो ये ऑन। इसी के साथ एक और हम दूसरा नॉट इक्वल को भी चेक कर लेते हैं। नॉट इक्वल टू को चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू का है यहाँ पर लेंगे। इसके अंदर भी दो वेरिएबल होते हैं, एक इनपुट वन इनपुट टू, तो इसके अंदर मैं PV1 ही डाल देंगे और इसके अंदर कंपैरिजन में भी हम 5 ही डाल देंगे। और ये 5 के बराबर नहीं है तब हम एक दूसरा लैम्प Y2 को ऑन करा लेंगे। तो ये यहाँ पर Y2 डाल दिया, तो ये एक हमने यहाँ पर सैंपल टेस्टिंग के लिए एक लॉजिक डेवलप कर लिया है। अब इसको एक बार PLC के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं, कंपाइल एरर बता रहा कुछ। ओके, ये यहाँ पर इसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी, एक हम यहाँ पर कंडीशन डाल देते हैं, B1 बटन डाल दे, टॉगल स्विच डाल देता हूँ, ये हमारा B1 टॉगल स्विच है, इस B1 टॉगल स्विच को यहाँ पर डाल देंगे और अब इसको एक बार डाउनलोड कर। अब जैसे ही हम इनपुट की कंडीशन को ट्रू करेंगे ये यहाँ पर दिख रहा है, ये हमारी कंडीशन जैसे हम ट्रू करेंगे तो क्या होगा, ये टाइमर चलना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर 10 सेकंड डाले हुए हैं तो 10 सेकंड के हिसाब से ये 10 सेकंड चलेगा और उसके बाद ये बिट ऑन होगी तो उससे ये रिसेट हो जाएगा। तो इससे एक हमने यहाँ पर 1000 का डिवीजन करके यहाँ पर एक PV1 वैल्यू बना ली, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर कंपेयर कराया। तो ये काम कैसे कर रहा है, जब PV की वैल्यू 5 के बराबर होती है तभी ये 1 सेकंड के लिए ऑन होता है। और ये जो नॉट इक्वल टू वाला है ये कैसे काम कर रहा है, ये जब PV की वैल्यू 5 के बराबर होगी तब ये बंद हो रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ऑन ऑफ हो रहा है। ये आपका केवल 1 सेकंड के लिए, यानी कि 5 के जब सेकंड 5 हो जाएंगे, 5 सेकंड हो जाएंगे, यानी कि 5 काउंट हो जाएंगे तब Y1 ऑन हो रहा है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। जैसे ही 6 होता है इस PV1 की वैल्यू तो ये बंद हो जाता है। और वहीं जो नॉट इक्वल टू है उसके केस में ये हमेशा ऑन ही है, सिर्फ 5 के जब 5 के बराबर हो जाता है उसी टाइम ये बंद होता है और बाकी टाइम में ये ऑन होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हम अपने PLC के अंदर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास में बस इतने,
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।